नमस्कार, हेडलाइंस बिहार देख रहे हैं। मैं हूँ आपके साथ बिरजू सिंह। विधान परिषद चुनाव परिणाम को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सिवान से आ रही है। सिवान सीट पर बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बता दें कि बीजेपी प्रत्याशी मनोज सिंह, जो पूर्व में एमएलसी भी रहे हैं, वो हार गए। वहां की बात की जाए तो राजद विनोद जायसवाल ने उन्हें हराया है। हालांकि लड़ाई में तीसरे नंबर पर बीजेपी थी। सेकंड की बात की जाए तो रईस खान, निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान सेकंड स्थान पर थे और तीसरे स्थान पर बीजेपी रही है। बीजेपी का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तमाम जो बड़े धुरंधर थे वो वहां लगे हुए थे ताकि सीट जो है वो निकल जाए, लेकिन हुआ ऐसा नहीं। बता दें कि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे लगातार वहां कैंपेन कर रहे थे अपने प्रत्याशी की जीत को सुनिश्चित करने के लिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तीसरे नंबर पे चली गई बीजेपी, दूसरे नंबर पर निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान। रईस खान का आपने नाम सुना होगा, बीते दिनों से वो चर्चा में है। जब चुनाव प्रचार से घर वापस हो रहे थे उस दरमियान AK-47 से उनपे हमला होता है, कई लोग घायल हो जाते हैं और उस हमले में और षड्यंत्र की बात की जाए तो उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया था शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा पर। साफ तौर पर FIR ओसामा समेत कई लोगों पर रईस खान द्वारा FIR किया गया था और कहा गया था कि इन्हीं लोगों द्वारा मारने की साजिश जो है वो रची गई थी। हालांकि सुरक्षित देखे गए रईस खान, लेकिन इनके सहयोगी कई लोग घायल हो गए, एक आम नागरिक की मौत हो गई। लेकिन इस वक्त जो बड़ी खबर आ रही है सिवान से कि RJD यानी कि लालटेन सिवान में जला है। विनोद जायसवाल जो राजद के कैंडिडेट वो जीत गए हैं, बीजेपी तीसरे नंबर पे, दूसरे नंबर पे रईस खान। यानी कि सिवान में लड़ाई जो है वो RJD और निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान के बीच ही थी। अब लगातार सोशल मीडिया पर राजद समर्थकों द्वारा और बात की जाए उस क्षेत्र के बड़े बड़े धुरंधर टुन्ना जी पांडे, बात की जाए बच्चा जी पांडे, लगातार उन लोगों के द्वारा सोशल मीडिया पर शुभकामना बधाई दी जा रही है जायसवाल को। और टुन्ना जी पांडे ने यहां तक कि मंगल पांडे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उसी क्षेत्र से आते हैं, उनको लेकर भी कई तंज भी कसा है। उन्हें ट्विटर पे कई बातें लिखी है, कई पोस्ट किए हैं, जिससे साफ तौर पे उसके मायने और मतलब यही है कि उन्हें चिढ़ाने का काम जो है टुन्ना जी पांडे द्वारा किया जा रहा है। साफ तौर पे बीजेपी और जो परिणाम आए बीजेपी को लेकर, निराशजनक परिणाम आए, इसको लेकर लगातार तंज जो है वो कसी जा रही है। बीजेपी बागी कह सकते हैं, RJD नेता भी कह सकते हैं, हालांकि ऑफिशियली RJD नेता टुन्ना जी पांडे नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं RJD के साथ वो है। लगातार चुनाव प्रचार भी किया RJD के लिए और अब वो तंज कस रहे हैं चुनाव परिणाम को लेकर। जिस तरीके से बीजेपी के पक्ष में निराशजनक परिणाम आए उसको लेकर लगातार टुन्ना जी पांडे, बच्चा जी पांडे दोनों भाई हैं, उस क्षेत्र के अपने क्षेत्र के बड़े नेता माने जाते हैं, लगातार तंज कस रहे हैं। फिलहाल सिवान में लालटेन जला है, बड़ी खबर है। रईस खान निर्दलीय प्रत्याशी दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पे बीजेपी रही है। इस खबर में इतना ही, देखते हैं बिहार। नमस्कार।